कभी-कभी हमें कुछ ऐसा खाने का मन करता है जो तीखा हो, चटपटा हो, लेकिन बिल्कुल भी ऑयली ना हो, मतलब खाने में बिल्कुल भी हैवी सा ना हो, हमें बहुत ही हल्का सा लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट कुछ खाने का मन करता है जो हमारे लिए हेल्थी हो। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो तीखी, चटपटी, स्वादिष्ट तो है लेकिन बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं उबले हुए आलू, जिसे मैंने मैशर से मैश कर लिया है बहुत ही अच्छी तरह से। तो यहाँ पर 350 ग्राम आलू था और यहाँ पर मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, तो इसे हम कॉर्नफ्लोर से बनाएंगे जिससे कि ये हेल्थी बने। तो कॉर्नफ्लोर कितना डालना है वो हमें इसे मैश करते जाएंगे तो खुद पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च को बारीक कट कर ले लिया है और 1/4 चम्मच नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे ना हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल आटे के जैसा इसका हम डो तैयार करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर का कोई मेजरमेंट नहीं है, मतलब जब तक कि आपका जो डो है आटे की जैसा ना हो जाए ना, तब तक आपको इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो उस कटोरी से 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर पूरा इसमें लग गया है। तो यहाँ पर मैंने इसे दूसरे बाउल में कर लिया और हाथों को भी धो लिया, हाथ में लगा लिया हल्का सा ऑयल। फिर इसे हमें हल्का चिकना अप कर लेना है। तो यहाँ पर अब ये चिकना हो चुका है, तो अब इसकी हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे और इसके हम छोटे छोटे से बहुत ही क्यूट क्यूट डिजाइनर से पेड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है विनेगर का ये बोतल और इसे कर लिया है ऑयल में डीप। तो मैं सरसों के तेल से ही बना रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड का यूज कर सकते हो। और इसके बीच में इसे बहुत अच्छी तरह से दबा देना है। तो देखिए कितना प्यारा सा ये बन रहा है। तो यहाँ पर हाथों में ऑयल जरूर लगाना है, ऑयल लगा कर ही गोल गोल इसे लड्डू की तरह बनाइए या पेड़े की तरह। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे लड्डू बना कर रख दिए और बोतल से फटाफट से हम इसे दबा देंगे, तो इस तरह से बहुत जल्दी से बन जाता है। तो प्लेट में मैंने बटर पेपर लगा दिया है जिससे कि ये निकालने में आसानी हो, नहीं तो ये चिपकने लगता है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है ना, तो आप थाली में ऑयल लगा लेना, उसके बाद ही इसे बना बना कर रखना। तो यहाँ पर देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आने लगे हैं, तो इसमें सारे हम अपने छोटे छोटे से पेड़े को डाल देंगे। आलू का पेड़ा है ये, और कितना बेहतरीन दिख रहा है। इस तरह से बनाओगे ना तो बच्चे तो तुरंत ही इसको देखते ही खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसे 6 मिनट तक उबाल लिया, बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमें उबाल लेना है। और इसे हम फटाफट से छानेंगे और ठंडे पानी से इसे धो देंगे। अगर गर्मी का दिन है ना तो बर्फ़ के पानी से धो दीजिएगा। अभी कुछ हल्का ठंडापन शुरू हो गया है, तो मैं इसमें नॉर्मल पानी डाल रही हूँ रूम टेम्परेचर का। तो इस तरह से इसे धो लेने से ना ये एक में चिपकते नहीं है। तो यहाँ पर कढ़ाई हल्की गर्म हो चुकी है और इसमें डाल देना है ऑयल, शिमला मिर्च 1 चम्मच, साथ में डालना है 1 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच नमक। नमक कम ही डालिएगा क्योंकि हम इसमें सॉस ऐड कर रहे हैं, सॉस में नमक होता है। तो इसमें डाल दिया टोमेटो सॉस, चिली सॉस और यार सोया सॉस। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉस वगैरह डाल सकते हो, जितना कम या ज़्यादा आप खाना पसंद करते हो। तो यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, लो फ्लेम पर ही हमें इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद हम इसमें सारे अपने आलू वाले पेड़े ऐड कर देंगे। तो इसे ऐड कर कर हमें सिर्फ इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर ही हल्का सा मिक्स करते जाना है। और यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो इसमें हल्का हल्का बबल्स आ रहा है, जैसे नीचे से पक रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, अब इसे हमें फटाफट से उतार देना है और इसे गर्मा गर्म ही हम कर लेंगे सर। तो यहाँ पर हमारी बहुत प्यारी सी चटपटी सी रेसिपी बनकर हो गई है तैयार। ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी होती है और बिल्कुल भी हैवी नहीं होती, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और हमें जो चटपटा सा खाने का मन होता है ना, तो इस रेसिपी को जब आप बनाकर खाइएगा तो वो खुद पता चल जाएगा कि नहीं कितनी बेहतरीन सी रेसिपी है। और तो ये चाउमीन से तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर कर बना रहे हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।